गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस सो लास्ट वीडियो में हम वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने जो वेपर स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके बारे में उनमें अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो हमने ड्राइव किया था सो so, आज भी हम वेपर कंप्रेशन साइकिल को आगे कंटिन्यू करेंगे सो so, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज वी पोस्ट एनी न्यू वीडियो सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल में पावर uh, इनपुट कितना होगा कंप्रेसर में ये अगर हमको निकालना हो तो सो वी हैव कैलकुलेटेड वर्क डन लास्ट वीडियो में हमने वर्क डन के लिए कैलकुलेशन की थी कि अगर कंप्रेसर है तो उसका कितना वर्क डन हम कर रहे हैं सो वर्क डन होगा हमारा इन टर्म्स ऑफ एंथेल्पी एच टू माइनस एच वन सो ये इसको अगर हम माइनस करेंगे एंथेल्पी एट पोजिशन टू माइनस एंथेल्पीएट पोजिशन वन सो वी विल गेट द वर्क डन सो वर्क डन यहां पर जो आएगा एंथेल्पी के टर्म में दैट विल बी किलोजूल पर के जी सो यहाँ पे जो वर्क डन so uh, हमने निकाला है इसको कैलकुलेट करने में हमने uh, रेफ्रिजरेन्ट का जो मास फ्लो रेट है उसको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया है सो वी हैव कंसिडर्ड दैट की यूनिट मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा सो एक्चुअल पावर इनपुट निकालने के लिए हमें वर्क डन में जो मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so अगर हम इफ मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज एम डॉट मासी पर सेकेंड तो पावर इनपुट हमारी होगी एम डॉट इन टू एच टू माइनस एच वन और यहां से हमको ये पावर इनपुट मिल जाएगा किलोवाट में क्योंकि जो हमारा मास रेट है वो हमने के जी पर सेकेंड में लिया है और एंथेलपी जो वर्कडन है वो जूल पर केजी में है तो ये फाइनली यूनिट इसकी आ जाएगी जूल पर सेकेंड और उसको हम किलोवाट भी बोलते हैं सिमिलरली एक और टर्म जो हम यूज करते हैं रेफ्रेशन में वो है रेफ्रेशन कैपेसिटी अभी तक हमने जो एक टर्म डिस्कस की थी वो थी रेफ्रेशन इफेक्ट सो रेफ्रिजन इफेक्ट जो हमने कैलकुलेट किया था कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब उसको हम बोलते हैं रेफ्रेशन uh, इफेक्ट और उसको हमने कैलकुलेट किया था एच वन माइनस एच फोर से तो सिमिलरली यहां पे भी इसको कैलकुलेट करते हुए हमने मास फ्लो रेट जो है रेफ्रिजरेंट का उसको कंसिडर नहीं किया था सो so, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो देन इट विल बिकम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द मशीन सो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज गिवन बाय m डॉट m डॉट हमारा मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है h1 h4 तो so, ये यह, यहां पे हमें ये भी किलोवाट में मिल जाएगा सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज हीट अब्सॉर्ब पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट और uh, मान लीजिए हमारे सिस्टम में m केजी ऑफ केजी पर सेकंड मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट घूम रहा है तो हमारा टोटल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द मशीन आ जाएगी एम डॉट इंटू एच वन माइनस एच फोर और ये इसकी यूनिट भी क्लोवाट में होगी सो फ्रेंड्स आगे टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so प्रॉब्लम है इन्हें टेन क्लोवाट कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन सिंपल वी सी साइकिल मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेट एंड्रेंस इवेपोरेटर विद एंथेल्पी वन फिफ्टी ग्लोजूल पर के जी एंड लीव्स विद एंथेल्पी ऑफ टू एट्टी क्लोजूल पर के जी एंथेल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेशन इज टू नाइंटी क्लोजूल पर के जी देन फाइंड आउट सी ओपी पावर इनपुट इन किलोवाट एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंडेंसर सो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे और उससे पहले हम वीसी साइकिल का एक पीएच जो डायग्राम है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं सो so, ये पीएच डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया इससे हमको जो डाटा दिया गया उसको समझने में आसानी होगी तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया गया इन ए टेन किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन मतलब कि हमको ये उसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यहाँ पे प्लांट की या सिस्टम की दी हुई है जो कि टेन किलोवाट उसके बाद हमको दिया हुआ है दैट रेफ्रिजरेंट एंटर्स इवेपोरेटर विद एंथेल्पी 150 फिफ्टी जूल पर के जी तो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में कहाँ पर एंटर हो रहा है पोजीशन फोर सो एच फोर हमको दिया गया वन फिफ्टी क्लो जूल पर के जी उसके बाद में दिया लीव्स विद एंथेल्पी ऑफ 280 एट्टी जूल पर के जी और इवेपोरेटर uh, को लीव कर रहा है टू एट्टी क्लोजूल पर के So, uh, जो हमारी पोजीशन है एच वन उसके बाद में यहां पे जो हमें एक और डाटा एडिशनल दिया हुआ है दैट इज की एंथेल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेशन इज 290 नाइंटी क्लोजूल पर के जी सो so, हमें यहां पे ए एच टू दिया हुआ है फ्रेंड्स देर इज ए करेक्शन इन डाटा जो एंथेलपी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेशन इज थ्री ट्वेंटी यानी कि जो यहां पर कंप्रेशन के बाद में जो एंथेलपी हमको मिल रही है रेफ्रिजरेंट की दैट इज एच टू वो थ्री ट्वेंटी है सो so, अकॉर्डिंगली हमने जो भी डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ यहां पे लिख लिया अब सबसे पहले हमको सीओपी निकालना है सीओपी का फॉर्मूला हमको मालूम है आर ई डिवाइडेड बाय वर्गन सो आरई क्या है रेफ्रेशन इफेक्ट यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब सो यहाँ पे एंथेल पी की जो यूनिट है आप उससे देख सकते हैं कि के जी पर क्लोजूल पर के जी में दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे जो मास है उसकी मल्टीप्लीकेशन अभी तक हुई नहीं है सो so, हम यहाँ पे एच वन माइनस एच फोर डिवाइडेड बाय वर्क डन है हमारा एस टू माइनस एच वन तो यहां पे वैल्यू हम डाल देते हैं एच वन हमको दिया हुआ है टू एट्टी किलोज पर के जी एच फोर हमको दिया हुआ है वन फिफ्टी और एच टू हमको दिया हुआ है थ्री ट्वेंटी तो इन सब की वैल्यूज हमने यहां पे डाल दी है और इसको यहां पे कैलकुलेट किया है जिससे हमारा सी ओ पी थ्री पॉइंट टू फाइव आ गया अगेन सीओपी uh, को हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर भी कर सकते हैं तो क्योंकि अगर हम यहां पे आरई में एम की मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेफरेशन कैपेसिटी बन जाएगा और डब्ल्यू में एम की मल्टीप्लाई कर दें तो ये पावर बन जाएगा सो so, ये और ये इक्वलेंट है uh, सिर्फ मास का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस है वो दोनों ऊपर नीचे एम की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमें आर सी बाय पी मिल जाएगा कैंसिल आउट कर देंगे एम को तो ये मिल जाएगा हम एज पर क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में हम दोनों यूज कर रहे हैं तो हमने सीओपी पहले निकाला एनथेलपी के डाटा यूज करके और फिर हम यहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में रेफरेशन कैपेसिटी दी हुई है तो पी हमारा पावर आ जाएगा रेफरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय यहां पे सीओपी होगा ये यहां पर सीओपी यह है सो so, यहां पर इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं रेफरेशन कैपेसिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ टेन और सी हमने अभी यहां पे कैलकुलेट किया थ्री पॉइंट टू फाइव सो हमारा जो ये पावर इनपुट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल एन टू थ्री क्लो वाट सो अभी फ्रेंड्स जैसे जो उसका तीसरा पार्ट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमको निकालना है सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हमें मास फ्लो रेट की भी जरूरत पड़ेगी तो so, हम मास फ्लो रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं हमें रेफ्रेशन कैपेसिटी हमको दी हुई है तो रेफ्रेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इन टू रेफ्रेशन इफेक्ट और जो हमको दिया हुआ है एच वन माइनस एच फोर जो होता है सो so, हम यहां पे वैल्यूज डालेंगे कैपेसिटी है मास एच वन माइनस एच फोर की वैल्यू आ जाएगी टू एट्टी माइनस वन फिफ्टी यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा मास फ्लो रेट आएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स नाइनो के जी पर सेकेंड अब फ्रेंड्स हमको फाइनल जो पार्ट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंडेंसर मतलब कि हमें यहां पे जो कंडेंसर का जो प्रोसेस है टू थ्री में जो हमें हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है वो आ, हमें कैलकुलेट करनी है सो so, ये किसके बराबर होगी मास फ्लोरेट मल्टीप्लाई बाय एच टू माइनस एस थ्री तो यहाँ पे एस टू की वैल्यू और एस थ्री की वैल्यू हम रख देंगे मास फ्लोरेट हमने कैलकुलेट किया है तो ये फाइनली आ जाएगा थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन तो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आ, क्यू रिजेक्टेड है वो पावर का और जो रेफ्रेशन इफेक्ट है इन दोनों के सम के बराबर है और वो होना भी चाहिए क्योंकि जो हीट हमने यहां पे एब्जॉर्व करी है और जो हीट हमने यहाँ पे वर्क डन है वो फाइनली हीट में कन्वर्ट हुआ है वो हमने यहां पे दिया है इन दोनों हीट को हम कंडेंसर में रिजेक्ट कर देते हैं तो इस हीट को और इस हीट को अगर हम ऐड कर दें तो हमें हीट रिजेक्टेड मिल जाएगी जो हम यहां पर देख भी सकते हैं टेन तो क्लोवाट प्लस थ्री ये अप्रोक्स थ्री है इसको कैलकुलेट करेंगे थ्री पॉइंट जीरो सेवन ही समथिंग ये आएगा सो इट विल गिव द हीट रिजेक्टेड दैट इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन किलोवाट फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कंप्रेशन इन कंप्रेसर इन ए वीसी साइकिल एंड देयर इफेक्ट्स सो फर्स्ट इज वेट कंप्रेशन सेकेंड इज ड्राई कंप्रेशन एंड थर्ड इज सुपर हीट कंप्रेशन सो इसको हमने जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन है इसको यहाँ पे हमने टी एस डायग्राम पे दिखाए हैं सो फर्स्ट इज वेट कंप्रेशन जिसको हमने वन डबल डैश से टू डबल डैश से दिखाया है इसमें जो हमारा कंप्रेशर uh, का इनलेट पॉइंट है वो हमारा मिक्स्ड फेज वाले रीजन में है यहां पर थोड़ा सा लिक्विड फेज भी है और थोड़ा सा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फेज में भी है तो ये वेपर का और लिक्विड का मिक्सचर है इस वन डबल डैश फेज पे और कंप्रेशन के बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है वो एग्जैक्टली ड्राई सेचुरेटेड जो हमारी कर्व uh, की लाइन है उस पर मिलता है यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो फुल्ली ड्राई सेचुरेटेड होता है वेट कंप्रेशन के केस में दूसरा है ड्राई कंप्रेशन उसमें जो हमारा कंप्रेसर का इनलेट है वो हमारा पॉइंट है वन और टू से उसको हमने दिखाया है सो so, जो देख सकते हैं कि जो स्टेट वन है वो फुल्ली ड्राई सेचुरेटेड है यहां पे जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर uh, के अंदर जा रहा है वो पूरी तरह से वेपर फेज में है और जो कंप्रेशन के बाद में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सुपर हीटेड रीजन में है ऐसे ही जो सुपर हीटेड कंप्रेशन है वो पूरी तरह से सुपर हीटेड रीजन में रहता है उसको हमने वन डैश और टू डैश से यहाँ पे शो किया है और वन डैश जैसे आप देख सकते हैं ये जो कंप्रेसर का इनलेट है वो पूरी तरह से सेचुरेटेड सॉरी सुपर हीटेड रीजन में है यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर पूरी तरह से वेपर बनने के बाद में कुछ सुपरहीट भी हो गया है और ऑब्वियसली जब ये सुपर हीटेड रीजन में था तो कंप्रेशन के बाद में और ज्यादा हाइयर लेवल पे सुपर हीट हो जाता है जो कि टू डैश से हमने दिखाया है सो ये सुपर हीट करने की वजह से जो हमें एडिशनल वर्क करना पड़ता है उसको हम जो हम दिखाते हैं यहां पर जो ये वाला जो पोर्शन है जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम सुपर हीट हॉर्न के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स so अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा वाला जो कंप्रेशन uh, है वो रिक्वायर्ड है या कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा वीसी साइकिल है उसमें जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है और जो वेट कंप्रेशन है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए हार्मफुल है सो इन्हें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वेट कंप्रेशन इज़ नॉट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन फर्स्ट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट मे ट्रैप इन सिलेंडर हेड एंड मे डैमेज द वॉल्व एंड सिलेंडर सो रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर uh, होता है उसमें कुछ स्पेस ऊपर हेड में uh, छोड़ा हुआ होता है सिलेंडर में जहां पे हमारे वाल्व वगैरह लगे होते हैं तो जो अगर वेट कंप्रेशन है तो डेफिनेटली वो मिक्सड फेज वाला uh, है यहाँ पे कुछ जो रेफ्रिजरेंट है कुछ लिक्विड फेज में है और कुछ वेपर फेज में है तो जो लिक्विड वाला जो पार्ट है वो हो सकता है कि जो वाल्व वाला एरिया है सिलेंडर में वहां पे जाए और वो वाल्व को या फिर सिलेंडर वॉल्स को भी डैमेज कर सकता है दूसरा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट मे वॉश अवे द ल्यूब्रिकेशन ऑयल फ्रॉम कंप्रेसर सिलेंडर वॉल्स था इंक्रीजिंग वीयर दूसरा जो अगर लिक्विड फेज में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा जैसे कि वेट कंप्रेशन के केस में होता है तो वो जो लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन जो हमने कंप्रेसर में दिया हुआ है वो उसको <coughs> सॉरी उसको रिमूव कर सकता है वॉश कर सकता है जिससे क्या है कि हमारा जो कंप्रेसर का सिलेंडर है उसमें वियर एंड टीयर बढ़ सकता है दूसरा एक और है कि हम यहाँ पे थियोरटिकली मान रहे हैं कि जो हमारा वेट कंप्रेशन का आउटपुट होगा वो ड्राई सेचुरेटेड होगा बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबली uh, होता नहीं है तो जनरली ये जो हमारा पॉइंट टू डबल डैश है ये भी हमको टू फेज रीजन में ही मिलता है क्योंकि कंप्रेसर इतना हाई स्पीड पे रन कर रहा होता है तो जो लिक्विड uh, है रेफ्रिजरेंट uh, वो पूरी तरह से कन्वर्ट uh, नहीं हो पाता है वेपर्स में कंप्रेशन के दौरान सो तो इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वेट कंप्रेशन को अवॉइड किया जाता है उसके अलावा उसके बजाय ड्राई कंप्रेशन जो है वो हम प्रिफर करते हैं थियोरटिकली सो ड्राई कंप्रेशन में क्या होता है कि जो कंप्रेसर का इनलेट है वो uh, हमें फुल्ली ड्राई सेचुरेटेड है और उसको फिर कंप्रेसर कंप्रेस compress करके फर्दर सुपर हीट रीजन में लेके जाता है So, उस केस में जो हमारी ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं वॉल डैमेज की और वॉल्स की वो हमारे रिमूव हो जाती हैं और वेट कंप्रेशन में जो एक और प्रॉब्लम है आ, वो है कि आ, अभी आप देख सकते हैं कि वन डबल डैश से वन तक ये जो पार्ट है जो रेफ्रिजरेंट है अभी इतना पोर्शन हीट और एब्सॉर्ब कर सकता है तो हम जो रेफ्रिजरेंट की जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमें ज्यादा मास फ्लोरेट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज करना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए जबकि ड्राई कंप्रेशन में हम रेफ्रिजरेंट की पूरी कैपेसिटी यूज करते हैं जब तक कि वो पूरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है हावेवर वेट कंप्रेशन इज डिजायरेबल विथ सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रू कंप्रेसर जैसे कि बताया कि अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जो हम घरों में कॉम्पैक्ट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें यूज करते हैं वहां पे वेट कंप्रेशन को अवॉइड किया जाता है बट जो हमारे सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर्स जहां पे यूज होते हैं स्क्रू कंप्रेसर्स यहाँ पे यूज होते हैं जहां पे जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है बहुत हाई कैपेसिटी का होता है तो वहां पे वेट कंप्रेशन यूज किया जा सकता है क्योंकि पंप या स्क्रू कंप्रेसर इन तरह के जो कंप्रेसर होते हैं उनमें वाल्वस नहीं होते तो जो वॉल्व वाली जो प्रॉब्लम है वो वहां पे हम फेस नहीं करते इवन सम केसेस में वेट कंप्रेशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो भी कम होता है ड्राई कंप्रेशन के मुकाबले क्योंकि ड्राई कंप्रेशन में जो हमारा वर्क डन है वो पूरा का पूरा सुपर हीट रीजन में हो रहा है तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हमारा जो कंप्रेसर का वर्क डन है वो इंक्रीज हो जाता है सो थर्ड वन इज हीट कंप्रेशन, उसमें जैसा हमने डिस्कस किया जो वेट कंप्रेशन के हैं वो दोनों इश्यूज नहीं हमको फेस करने पड़ेंगे तीसरा इशू जो हमने डिस्कस किया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है वो भी इस में नहीं है लेकिन सुपर हीट कंप्रेशन में हमारा जो डन है वो इंक्रीज हो जाता है जो ये इतना रीजन जो हमारा इंक्रीज हुआ है जो आप टीएस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो वर्क डन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा सो सुपर हीट कंप्रेशन को भी अवॉइड किया जाता है तो मैक्सिमम इट इज जो कोशिश की जाती है कि हमारा कंप्रेशर जो है वो ड्राई कंप्रेशन कंडीशन में रन करे लेकिन ऐसा पॉसिबल uh, नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली कि एग्जैक्ट जो इनलेट है हमारा इनलेट uh, पॉइंट है वो हमारा कंप्रेसर के लिए वो इस सेचुरेटेड ड्राई सेचुरेटेड कर पे हो वो कभी हमारा टू फेज में भी जा सकता है और हमें ड्राई सेचुरेटेड में भी मिल सकता है तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो डैमेज हो सकता है तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए स्लाइट सुपर हीट यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकल मशीन्स यानी कि वो पॉइंट हमारा वन से थोड़ा सा सुपर हीट रीजन में लेके जाते हैं देन उसको कंप्रेशन में भेजा जाता है यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट इनलेट uh, पे है वो स्लाइटली सुपरहीट होता है ज्यादा सुपर हीट नहीं करते बट स्लाइट डिग्री ऑफ सुपरहीट हम यूज करते हैं जिससे कि हमें हंड्रेड परसेंट ड्राई सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट मिले किसी भी कंडीशन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ना जाए सो फ्रेंड्स विद दिस आज का जो वीडियो है हम उसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो पेपर कंप्रेशन सिस्टम के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जैसे कि डिफरेंट पैरामीटर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और एक्चुअल जो हमारी वीसी सी साइकिल जो होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट देन uh, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच